दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉयल्टीज को, जो कि इंग्लिश ऑथर जॉन गाल्सवर्दी का लिखा हुआ एक प्ले है। ये तीन एक्ट का एक फिक्शनल ड्रामा है जिसे ओरिजिनली 1922 में पब्लिश करवाया गया था। दोस्तों हम लोग इसके प्लॉट पर नजर डालते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है रोनाल्ड डेंसी नाम के एक आदमी से, जो कभी अपनी मैजिस्ट्री सर्विस में एक यंग कैप्टन की पोजिशन पर था और अब ये आदमी रिटायर हो चुका है। दोस्तों इसके नाम के आगे DSO लगा हुआ है, यानी रोनाल्ड डेंसी DSO। जब तक ये ऑफिसर था तब तक इसकी जिंदगी लड़ाइयों के रोमांच से भरी हुई थी, लेकिन अब ये सोच रहा है कि ये अपनी आने वाली लाइफ में, आगे की जो लाइफ है उसमें क्या करे। अब हम सब जानते हैं कि ऐसा आदमी फालतू बैठने वाला तो है नहीं, तो इसने क्या किया, खुद को घोड़ों और औरतों के बीच में डाल लिया। मतलब घोड़े खरीद लिए और कुछ टाइम ये औरतों के साथ बिताता तो इसका अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा, ऐसा इसने सोचा था। लेकिन इन सब से ये जल्दी बोर हो गया, मतलब इसको कुछ खास मजा नहीं आया इसमें। क्योंकि दोस्तों जहां पे घोड़ों को बांधते हैं ना, अस्तबल बोलते हैं उसको हिंदी में, जहां घोड़ों को बांधा जाता है, वो इसका अस्तबल जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव था और बहुत महंगा पड़ रहा था इसको। तो एट लास्ट इसने क्या किया, अपनी एक घोड़ी रोजमेरी को इसने अपने एक ज्यूइश फ्रेंड फर्डिनेंड डी लेविस को बेच दिया, क्योंकि अब उस घोड़ी को अपने पास में रखना इसको महंगा पड़ रहा था। जहां तक बात है महिलाओं की जिनके साथ ये रहता था, बाकी सारी महिलाओं को तो इसने बाहर कर दिया और एक महिला, एक वुमेन जो इसको बहुत एडमायर करती थी, उसको अपने साथ रखा और उससे शादी कर ली। अब इसने बहुत सारा अपना पैसा अय्याशियों में उड़ा दिया है, लेकिन फिर भी इसने लंदन के फेवरेट क्लब्स में अभी भी अपनी मेंबरशिप को मैनेज करके रखा है। इसके फ्रेंड्स इसको और इसकी वाइफ को वीकेंड्स पर पार्टीज में बुलाते थे। अब दोस्तों आई होप यहां तक कहानी क्लियर है। अब इसका एक दोस्त है जिसका नाम है चार्ल्स विंसर, पुराना दोस्त है इसका, तो वो इसको अपने घर पर मेल्डन कोर्ट, वहां पे ये इसको इनवाइट करता है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, ये रोनाल्ड जो इसका नाम है, ये रोनाल्ड के अलावा एक और इसका नाम है रॉनी, ठीक है। तो इस रॉनी को ये इनवाइट करता है, तो वहां पे इसको कौन मिलता है, वही ज्यूइश इसका फ्रेंड जो है डी लेविस, फर्डिनेंड डी लेविस इसको मिलता है, जिसको इसने अपनी घोड़ी बेची थी। और इसको पता चलता है कि डी लेविस ने उस घोड़ी को 1,000 पाउंड्स में किसी को बेच दिया है। अच्छा खासा मुनाफा कमाया है डी लेविस ने, आखिर ठहरा तो ज्यू। अब ऑब्वियसली इसको बुरा लग रहा होगा कि मेरी बेची हुई घोड़ी से इसने मुनाफा कमा लिया। और इसकी नाराजगी झलकी पता है कब, जब इसने पार्टी में सबके सामने इससे डी लेविस से, फर्डिनेंड डी लेविस से शर्त लगाई 10 पाउंड की, कि क्या रॉनी बुक केस की टॉप से कूद सकता है क्या, ये 4 फिट की ऊंचाई थी इस बुक केस की, तो वहां से कूद सकता है क्या। अब दोस्तों रॉनी एक ऑफिसर रह चुका है, एक एक्टिव आदमी था, तो उसको क्या प्रॉब्लम आएगी, उसने तो ये सब कर दिया और बैट जीत गया। लेकिन यहां पे डी लेविस को बड़ा गुस्सा आया कि उसे ये थोड़े थोड़े पैसों के लिए ऐसे चीप गेम्स नहीं खेलने चाहिए, ठीक है। तो रॉनी यहां पे शर्त जीत गया और ये बात हो गई यहीं खत्म। अब आधी रात का टाइम था, विंसर और उसकी वाइफ को डी लेविस ने उठाया। डी लेविस हल्ला कर रहा था कि इसने जो 1,000 पाउंड कमाए थे उस घोड़े को बेच करके, उस घोड़ी को बेच करके, वो इसने अपने तकिए के नीचे रखे थे और वो पैसे अभी चोरी हो गए हैं। डी लेविस ने सबके सामने जिद की कि इसको इन्वेस्टिगेशन चाहिए, कि ये इन्वेस्टिगेट करेगा कि किसने इसके पैसे चुराए हैं। अब ये दोनों पति पत्नी नहीं चाहते थे कि अपने मेहमानों और नौकरों पर किसी तरह का ये लोग इल्ज़ाम लगाएं कि किसने डी लेविस के पैसे चुराए हैं। लेकिन डी लेविस बहुत ही ज़िद्दी आदमी था, उसने फाइनली जिद करके पुलिस को वहां पे बुलवा ही लिया। अब रॉनी और उसके फ्रेंड्स वगैरह सारे के सारे डी लेविस के खिलाफ हो गए इसके बचकाने व्यवहार को चलते, और यहीं पर इसके चलते बात आ गई भेदभाव की, क्योंकि ये ज्यू था तो रॉनी ने इसको ज्यू होने का ताना मारा। अब दोस्तों यहां पे थोड़ी गलती डी लेविस की भी थी कि इसने ज्यादा ही कुछ हल्ला मचा दिया, सबके साथ इसने बुरा बर्ताव भी किया। दोस्तों सारे के सारे ये बात जानते थे कि डी लेविस के फादर जो थे वो कभी इस शहर में कारपेट्स बेचा करते थे। खैर जो भी पास रहा हो डी लेविस का, लेकिन फिलहाल सच्चाई ये है कि इसके पैसे चोरी हुए हैं। अब वो किसने चुराए हैं इसको ये जानना है, ठीक है। अब बात यहां ये खत्म हो गई। अब दोस्तों इन दोनों की अगली मुलाकात कहां होती है, डी लेविस और रॉनी की अगली मुलाकात कहां होती है, एक क्लब में, जहां एक दूसरे पर ये दोनों गुन्नस खा के तो बैठे ही थे। तो रॉनी ने इसके ज्यू होने का इस पर मजाक बनाया, इसका मजाक उड़ाया, और डी लेविस ने खुले में सबके सामने इसको चोर कहा कि तुमने ही मेरे पैसे चुराए थे। ऐसे में इन दोनों में फिर से लड़ाई होने वाली थी। इस रॉनी ने कहा कि आजा मुझसे ड्यूल कर,
मतलब लड़ाई कर, 1-to-1 मुकाबला कर, देखते कौन जीतता है। लेकिन ये मुकाबला नहीं हुआ क्योंकि अब जेंटलमैन लोग जो हैं वो इस टाइप की लड़ाइयाँ नहीं करते। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि डी लेविस की यहाँ पे जान बच गई, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रॉनी एक आर्मी ऑफिसर था तो वो जीत जाता। अब दोस्तों यहाँ पर रॉनी ने अपनी वाइफ से कहा कि हम दोनों नैरोबी चलते हैं, ये जगह छोड़कर हम लोग नैरोबी चलते हैं। लेकिन उसको अपने हस्बैंड पर पूरा भरोसा था कि आपने कुछ गलत किया नहीं तो हम लोग यहाँ से मुंह छुपाकर भागे क्यों, क्यों भागे हम लोग। तो रॉनी की वाइफ रॉनी से रिक्वेस्ट करती है कि आप यहीं रहो और अपनी इज्जत को बचाओ। तो रॉनी को भी ये लगता है कि अगर मैं भाग गया तो गिल्टी हो जाऊंगा, मेरे सारे फ्रेंड्स वगैरह मुझे गिल्टी समझेंगे। तो इसने एक लॉयर किया, डी लेविस ने इसको जो चोर बोला था उस पर मानहानि का केस करने के लिए इसने एक लॉयर किया। वो लॉयर इस रॉनी का केस लड़ने के लिए मान गया, लेकिन उस लॉयर की जिंदगी का ये बहुत ही गलत फैसला था रॉनी का केस लड़ना। क्यों गलती कर दी इस लॉयर ने, क्यों गलती कर दी, क्योंकि ये लॉयर का एक ओल्ड पार्टनर था। इसने इससे कहा था, इस लॉयर से, कि केस लड़ते हुए जात पात धर्म नहीं देखना चाहिए, इन सभी लॉयल्टी से ऊपर होता है जस्टिस, इन सभी लॉयल्टी से ऊपर होता है जस्टिस, ये बात याद रखना, सही का हमेशा साथ दो। लेकिन लॉयर ने क्या किया, एक सा धर्म देखकर रॉनी का केस अपने हाथों में ले लिया। लेकिन दोस्तों यहां पे सच तो ये था कि डी लेविस के पैसे रॉनी ने ही चुराए थे। और ऐसा रॉनी ने क्यों किया, क्योंकि इसके पीछे एक वजह थी दोस्तों। वजह यह थी कि इसका पास्ट, एक पास्ट में इसका एक सीक्रेट था जो इसने ना अपनी पत्नी को बताया है, ना अपने फ्रेंड्स, किसी को भी नहीं बताया, इसको ही ये सीक्रेट पता है कि पास्ट में इसके एक इटालियन वुमेन के साथ में संबंध थे। शादी से पहले ये एक इटालियन लड़की के साथ में था और उस इटालियन लड़की का बाप एक वाइन डीलर था, और उस लड़की के बाप ने रॉनी को धमकी दी कि तेरा मेरी बेटी के साथ पास्ट में रिलेशन था तो अब मैं तेरी पत्नी को बता दूंगा, बदले में तू मेरी बेटी को हर्जाना देगा। मतलब पैसे की मांग की इस रॉनी से। अब रॉनी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इतना पैसा इसके पास है नहीं, तभी इसने जा करके, इसलिए इसने डी लेविस के पैसे चुराए। इसलिए मैं दोस्तों ये बोल रहा था कि इस लॉयर ने सबसे बड़ी गलती कर दी इस रॉनी का केस अपने हाथ में लेने से। ठीक है, इसने ले लिया रॉनी का केस हाथ में, इसको भी बाद में ये बात पता चली तो इसने रॉनी को कहा, इसको एडवाइस दी रॉनी को इस लॉयर ने कि तुम मानहानि का केस वापस ले लो और जितनी जल्दी हो सके ये देश छोड़ करके यहाँ से चले जाओ। और ऐसा करने में रॉनी के एक बड़े अफसर ने भी रॉनी की मदद की। अब दोस्तों यहाँ पर डी लेविस को जब ये बात पता चली कि केस वापस ले लिया गया है मानहानि का, तो इसने भी अपनी तरफ से मामला शांत करने की सोची कि अब इसको कोई भी अपना खोया हुआ पैसा, चोरी किया हुआ पैसा नहीं चाहिए। तो इसकी तरफ से तो मामला शांत हो गया, लेकिन रॉनी की प्रॉब्लम्स अभी भी कम नहीं हुई थी। रॉनी ने क्या किया, परेशान होकर के ये अपनी वाइफ के पास गया और उसको जाकर के अपने पास्ट की सारी बात बता दी कि ऐसा ऐसा मेरे साथ पास्ट में हुआ था। तो इसकी वाइफ ने इसकी स्टोरी पर पहली बार तो विश्वास नहीं किया कि ऐसा भी कुछ हुआ था क्या तुम्हारे साथ में, लेकिन बाद में फाइनली इसने रॉनी को पूरा सपोर्ट किया कि जहाँ तुम मुझे लेकर के जाओगे मैं वहाँ तुम्हारे साथ चलूँगी। अब दोस्तों इस प्ले की एंडिंग कुछ इस तरह से होती है कि रॉनी खुद को भागता या खुद को कहीं छुपाता, इससे पहले इसके पास पुलिस आ गई अरेस्ट वारंट लेकर के इसको अरेस्ट करने के लिए। रॉनी दोस्तों भाग करके अपने रूम में गया और पुलिस से बोला कि आकर के उसे अरेस्ट करे, लेकिन जब तक पुलिस इसके पास पहुंचती इसने खुद को गोली मार ली और इसकी डेथ के साथ ये कहानी खत्म होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।